हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरविचल 9 में आप सबका स्वागत है। और वे आज इबा मैं हुई नहीं रेडी, इबो होया 8:30 का टाइम होया अभी। और थामने कुछ दिखाऊंगी, बच्चे कुछ कलेक्शंस हैं अभी कपड़े के, वो थामने मैं दिखाऊंगी साथ की साथ, मतलब नू अभी कपड़े जच भी जाएंगे बच्चे के, और थार थार नई ड्रेस जो है वो दिखा भी दूंगी, है ना? सही आइडिया है ना? तो बताइयो भी थामने कौन सी ड्रेस भाई बच्चे की अच्छी लगी है और कौन सी नहीं, बता दियो भे। गर्मिया के नए नए कलेक्शन में किनके क्लॉथ्स लेके आए हैं भी बच्चा के, तो थाम बताइयो भे कौन से अच्छे लग गए हैं। और कल भी हमारा शादी है तो उसमें भी डालन खातर मतलब लेके आए थे, तो नू है कोई बच्चे आके दिखा देखांगे किन पर कौन से अच्छी लगेगी, साथ के साथ वो भी निकाल लूंगी। तो थाम भी अपनी राय जरूर दियो कमेंट बॉक्स में, जरूर बताइयो कौन सी सबसे बेस्ट लगा है, चित्रांश के ऊपर कौन सी अच्छी लगेगी, ध्यान के ऊपर कौन सी अच्छी लगेगी, और गुरवी के ऊपर कौन सी अच्छी लगेगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई देना, ठीक है? देख लो बे, दियांश जो वो रेडी हो चुका है। हेलो दियांश, दियांश ना तो भाई एक बार मैं दिख जाऊं बिना खाम में बाज ले यार, जिसमें अपनी नानी के पास रहा है अखली ले बस मन है। और एक ही नानी देख लो भाई, सारे दिन आए रखा है इसने। और दियांश की ड्रेस बताइयो भाई किसी लग गए, गर्मियों के नए कपड़े लेके आए हैं दियांश के, मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है? और गुरवी के भी, गुरवी बोलो हेलो कर दो सबको, बुक्स भी गिरा दी युगड़ू युग बोलो, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको भाई। ये बच्चे स्टडी कर रहे हैं, इनका काम जो हो रहा है, अरे ये दोनों जने अपने आड़े पढ़ेंगे, पहला तो खाना खावा है, मतलब भाई इनका चल रहा है पेट पूजा, पहले अपनी पेट पूजा करेंगे। अरे मिल लो बे, या मेरी बे बहन थम सारे जानो, या देख लो बे चित्रांशी है, चप्पल पहन का शौक चढ़ रहा है बे चित्रांशी का, मेरी दादी भी ना आई है, देख लो बे आज या मेहंदी लगवान की सलामती, दादी तेरी मेहंदी तो को नहीं लागी थी, अरे दादी मेहंदी तो ना लागी, तू मेहंदी लगवाओ थी, सर सर धो लिए फिर अग दोबारा ना होगी भाई, सर सर तो होगी अरे ना नया दोबारा भी ना ले भी, कोई भरोसा नहीं, देखो ते धोली दफ्स है, अरे ना देख लो भाई चित्रांशी ने, चित्रांशी हेलो कर दे, अरे ना देख लो, देखो भाई मैं पहले तो हमने सारे दियांश दियांश के दिखाऊंगी जो कपड़े हैं, वो तो हम जरूर बताइए भाई कमेंट बॉक्स में किसे अलग है, है ना? देखो भैया तो दियांश की वाह है निकर, ठीक है? गर्मियों के कपड़े पे ये तो हमने आई थिंक देखा भी होगा, दियांश डाला और भी डाल रखा है दियांश के एक, उसमें देखो बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है इसका, और मेरे को ये इसकी बहुत प्यारी लगती है बहुत ज़्यादा दियांश की, तो हम जरूर बताइए भाई कमेंट बॉक्स में किसी का लग गया है, है ना? और पहले तो हमने दियांश दियांश के दिखाऊंगी, ये भाई इनकी एक्स्ट्रा बलियान है जो नीचे के डाल की उम्र है वो है सारी तीनों बच्चे की, चित्रांशी रुक जा लड्डू एक वही देखो उस टाइप में थोड़ी सी चेंजेस याने कर है उसकी, और इसके ऊपर व्हाइट कलर में या टी शर्ट है, देखो भाई इसका बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है, बिल्कुल सॉफ्ट है, डालने के बाद पता भी नहीं चलता है कि इनका कॉम्बिनेशन, बताइए किसा है ये, लेकिन आ रही हूँ इस सेट का सेट है, थोड़ी दिनों अभी थोड़ा बढ़ते हैं उसमें ले रखी हूँ, तो एक आदमी पे तो एक आदमी बिल्कुल नेक में है, क्योंकि बच्चे बच्चे बढ़ते रहे हैं उस वजह से, देखो एक यह है। तो शादी के लिए बताइए भाई कमेंट बॉक्स में मैं कौन सी डाल कर लेकर जाऊँ कल, इसके नीचे यह है
और या वे उसमें बिल्कुल फुल में सॉफ्ट कपड़े में वेस कती सारे कपड़े या भी दियांस की है और वे देखो दियांस के और आने लग रही है या भी देखो वे फुल में है लेकिन है गर्मियां केनू को नहीं भी जैसे ये नहीं होता कि भी मच्छर वगैरह भी आ जावे हैं या भी भाई दियांस ने कपड़े डाली है उन तो इब जो मिट्टी ठंड थी उसमें लेकर आए थे हमें दियांस के कपड़े ठंड तो के थी मतलब नूं लगा लो भाई ये मच्छर वगैरह नहीं आ रही थी तो उस नूं मच्छर मच्छर आम भाई मच्छर वगैरह ना लड़ा बच्चे का तो साबत साबता के भी होने भाई जरूरी है ना। और इसके ऊपर देखो भाई या टी शर्ट है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर आए रखा करो भाई चैनल पर जो भी नया आवे है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर रहा करो भाई चैनल ने सब्सक्राइब करके जाकर और बेल आइकन का बटन दबा कर जाकर ताकि थारे पास हर एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ है ना। तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करा करो और भी यार ड्रेस है या भी इस टाइप से है क्योंकि सारी फौजी यार फौजी टाइप पेंट में जा रखी है इसकी सारे जो भी इसके कपड़े हैं देखो सारी फौजी टाइप में ला रखी है इसके कपड़े। इसके ऊपर ब्लैक कलर की टी शर्ट है यार मेरे पास यो काम भी मैं तुम भाई मतलब बच्चा के कपड़े भी देख लेते भी ब्याह खातिर कौन से रेडी करूं और साथ के साथ भी मेरा ब्लॉग भी तैयार नहीं था तो मैंने देखो मैं साथ सच्ची बताऊँ था तक ठीक है तो भाई मैंने सोची मैं चलो भाई बच्चा के कपड़े कलेक्शन भी दिखाए जाएंगे क्योंकि मेरे पास मैंने आज तक दिखाए नहीं थे एक लड़की लड़कियों का दिखाया था आई थिंक सारे याद भी होगा तो देखा हुआ तो फिर उनसे पेपर ने तो मतलब मैंने कपड़े ले रखे हैं बच्चा के तो वो दिखा भी दूंगी और साथ के साथ मेरी चॉइस भी पता चल जाएगी भाई अब भाई कि कौन से मैं बच्चा ने पहनाऊँ कौन से नहीं पहनाऊँ है ना तो उस चीज़ में भी देखो फर्क हो जावे है तो वैसे यहाँ इसके तो बस इतने थोड़ी कपड़े और ईद में था मैं दिखाऊँगी चित्रांश के कपड़े हालांकि चित्रांश एक हमें मिलेंगे क्योंकि इसका और दियांस का जो साइज है वो सेम सेम है यार ज़्यादा वो नहीं डिफरेंस में तीन में था हमने दिखाऊँ चित्रांश के कपड़े देखो भाई चित्रांश का एक तो योग है ये चित्रांश का है ठीक है क्योंकि भाई देखो नए नए कपड़े हैं ना तो रोज़ रोज़ बच्चे के ले आए जाते और उन्हें ठा कर रख दे अपना वो ठीक रहा है पहनना है और फिर अपने दो दाकर मुके नो रख दे वह देखो या भी उस पर कैफ्री लगा लो या फिर पैंट तो उसका तो पैंट है क्योंकि बढ़ता साइज है थोड़ा सा तो चित्रांशी का या थोड़ी बढ़ती है आवेगी पर ठीक है भाई उसका अग भी आ जाओगी ये फटते तो सह नहीं क्योंकि देखो ब्रांडेड कपड़ा फटते अपना स्ट्रेचेबल है नूगी कोना बिल्कुल स्ट्रेचेबल है और एक नंबर के हैं बेकती कपड़े तो नू बताइयो भाई ये चित्रांशी का था कि मैं शादी शादी में उसको ये पहना के लेके जाऊँ या फिर फ्रॉक वगैरह तो आप मेरे तक जरूर अपनी एडवाइस भी अपने जरूर रखियो मेरे कमेंट बॉक्स है ना जरूर बताइए भाई मेरी कहिए हेल्प थोड़ी सी क्योंकि देखो शादी बार बार तो नहीं जा जाता क्योंकि वो नया अगर कपड़े आ जाए तो थोड़ा बाहर जावे भी बच्चे ने अच्छा पहनावे थोड़ा फर्क हो जाए है ना। और एक भी देखो जो है जो मैं गुनू ने पहना दूँ कहीं पर पहना तो कहती हूँ एक पे पहरा होगा चित्रांशी का वैसे योगी तो यो मैं चित्रांशी भी डाल लिया चित्रांशी के भी आ जाए गुरी का भी आ जावे है चित्रांशी का यार फूल आ जावे और गुरी का जो है मैं इसकी कैफे बना दूँ गुरी का कैफे टाइप मौका आ जाए तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय दियो कि किसी लग गया था हमने ड्रेस फिर मैंने सोचा मैं चल भी साथ की साथ थारी गल भी शेयर कर दूँगी बच्चा के कपड़े और एक ड्रेस या भी गर्मिया के भी या भी चित्रांशी की है हालांकि चित्रांशी के इतने कपड़े तो मैं वो ना सकती क्योंकि बेरा पे पड़े पड़े रहा गुरवी के ही काम आ जाओ भाई इसके नू के नू देखो या भी इससे की स्पेशल इससे की देता रखी है
यो बिल्कुल गर्मिया की है भाई, कति गर्मिया की है यार, कैप वाइज में और गर्मिया में गर्मिया की है भाई, चित्रांश की और चैनल पर जो भी नए आवे हैं भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज कराइए और नू बता कर जा करो तो हमने ब्लॉग्स की से लग गए हैं ठीक है, क्योंकि देखो जितनी मिस्टेक हो जावे वो बताया करो था हमने बेरा लग जा रहा कहाँ भाई आडे मिस्टेक करी है ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो है वो हमें मिस्टेक ना करा उसमें सुधार करा भाई की तरह अगर मान लेते हमने लग जाए भाई आडे बेटे ने मिस्टेक कर दी इस वीडियो में तो हम भाई उड़ा सुधार करने की कोशिश करेंगे उड़ा मैं सुधार करूँगी, लेकिन बताओगे जब भाई ना जब हम कमेंट बॉक्स में अच्छे तो अच्छे बता कर जाकर भाई गुंडा तो गुंडा ही बता जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है भाई, देखो ऐसा तो कुछ है नहीं अब भाई के नाम में भाई अलग बुरा लगन की बात है ना पति भी नहीं भी, और एक चित्रांशी का भी जैसे आज दियांश ने डाल रखा है वैसा ही सेम है, सेम तो के अंदर मुँह लगा लो भाई हम ये दो तीन पीस लेके आए हैं दियांश के लिए उसके लिए क्योंकि इनका बहुत कपड़ा सॉफ्ट है और ये डॉट्स कंपनी के हैं, डॉट्स कंपनी के हैं तो मतलब ये इस टाइप का है, मैं दिखा देता हूँ न्यू पैक होगा रे भाई तो ये तो बाहर रखता है बच्चा थी इनका नू क्योंकि गर्मियाँ में देखो ये बार बार पहनने पड़ा है डेली यूज़ के लिए और बिल्कुल सॉफ्ट है ये, और देखो ये चित्रांश के लिए मैंने एक चूज यो किया था कि मैं भी शादी में गर्मी है भाई बच्चा कंफर्टेबल नहीं फील कर पाता तो चित्रांशी के लिए मैंने ये ऐसी ड्रेस पसंद की थी कि भी मैं इसको नॉर्मली ये डाल के लेके चलूं और उड़ जाकर दूसरी पहना दूंगी शादी में क्योंकि भी बच्चा दुखी हो जावे है ना सफ़र में दुखी हो लेगा भाई ज़्यादातर तो ईसाई हो जा है तो फिर वहाँ उड़े जाकर ड्रेस उड़े जाकर चेंज कर देंगे ताकि भाई बच्चा भी दुखी ना हो और कंफर्टेबल भी फील करे और फिर शादी इंजॉय भी कर ले है ना, और भी एक या है जो मैं दिखाऊंगी भाई सुना गया मैं टांग लूँ अच्छे तरह ताकि फिर मैं इसको कान रख दूंगी क्योंकि भाई बच्चे देखो जल्दबाजी में ना खंडाए दे हैं अरे यार कुर्ती तो बिल्कुल है भाई कौन है यार रखती है कौन है तो खंडा दे दो कपड़े ने किसी ने तो एक बार दिखा नहीं तेरे नए कपड़े हैं भाई उन्होंने डाल कर खड़ी हो जावे है तो फिर वो भी इकट्ठे मिल जाऊंगे भाई नीचे यो प्लाजो है इसका मैंने क्या तो दिखाया भी था शायद देखो फुल प्लाजो है और फिर ऊपर ही होगा ठीक है फुल प्लाजो होगा और ऊपर तक बेपे होगा इसका ये नीचे यहाँ पे रबड़ है इलास्टिक तो उस वजह से प्लाजो का देखो ख्याल हो गया प्लाजो का फिर मैं इस नई बलमारी में पाने का क्योंकि नहीं है इसके लिए कोई पहला भी ड्रेस टाइम नहीं है देखो देखो बच्चा की भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रेस टांग रखी है एक या ड्रेस तीन की या सर्दियाँ की ड्रेस है और जो पैंट कोट है भी चित्रांशी का जो कि आगे भाई नू मैंने सोचा थी दियांश का काम आ जाएगा नुका नू दिखाई दूंगा था हमने एक मिनट देखो एक या है देखी भी होगी तो हमने डाल दिया भाई इस पर थोड़ा रंग कर दिया और उतर कर नहीं दे रहा फिर भी हालांकि ठीक लग रही है या फिर हल है जो थोड़ा मिलती थी और यह जैकेट भी देखो लगता है यो भी ऐसे है और नीचे इसके लैगी है देखो पैंट टाइप में लैगी भी है बहुत ही अच्छा फ्रॉक है तो यो चित्रांशी का था भी यो भी फिर ना इसके यो भी भाव का फिर तो कौन ही आवा अगर तो देखो बताइए भाई अपनी राय जरूर दे कमेंट बॉक्स में कौन से चेयर में कौन से इसको पहना के लेके जाऊँ तो फिर मन तो ये टांगने पड़ जा मैं क्योंकि मैं नहीं सोचूँ खराब हो जाएंगे नहीं तो कपड़े है ना
तो मैं इसने उठा कर टांग लिया करूँ। और यो भी देखो मेरी बेटी का पेंट कोट है जो कि गुन्नू का था, गुरवी का निकनेम भी गुन्नू है उसका, गुरवी का तो कन्फ्यूज ना हुई। तो मतलब मैं लगा ली पेंट कोट ना गुरवी का था, और गुरवी तो फिर मैंने यो अच्छी तरह से कहा गया उसको छोटा हो गया। अरे बाकस का जगह पर है नूकानू कितने तो कुछ नहीं हो रहा इसका, देखो बिल्कुल नया है नूकानू, मैंने उठा कर रख रखा था तो नूकानू काम आ जाएगा भाई होने अगर ध्यान से। देखो कपड़े ध्यान में गिर भी गई के कपड़े संभालना बहुत औखा हो गया है, कोशिश कितनी करनी वहां। यो भी मेरा ब्लाउज था यो भी बेचारे पड़ा अंडा है, एक लहंगा जो है वो मेरा पूरा पड़ा सासर है पक्का कुत्ता है। यो देखो भाई की मौसी ने सीमा था गुरवी का कुर्ता पजामा, ये मौसी ने खुद सीम रखा है वे सिलाई रखी खुद, और बिल्कुल टेलर बगे सिलाई कर रखी पति जो टेलर एक टेलर करा कर जी करे। तो ये भी इसका लोंग थोड़ा सा तो माँ भी अभी तो को नहीं पहरा ही ना था इसका कहना लंबा रहोगा तो माँ चल ठीक है भाई बर्फ देती मैं इसको उठा के वही पता ही उसका वो भी को नहीं हाल करी मैं, नहीं तो ब्याह शादियाँ में भी जबरदस्त लग गया करती है ना। अभी वो इसका पजामा भी क्योंकि मैंने नुकान उठा कर रख दिया था इसका डाल कर रखा था एक बार, पर इसका आया तो नहीं लंबा रह गया तो मैं कहा बेब तो आऊँगा तो भी डालूंगी इसके ही तरह मैं इसने उठा कर रख दूँगी। तो ये मैंने नुकान उठा कर रख दिया था और देखो बेब इनकी बजान लकड़ लकड़ खराब लग रही है की चित्रांश की गुरवी की। और भी एक यो पजामा था जो इसके ऊपर का भी एक कुर्ता पजामा है वो भी मैं थामना दिखाऊंगी बिल्कुल सूती में है, इसके ऊपर भी एक कुर्ता है और वो ही मर गया देख ये राइस ना प्रेस करके रखूंगी क्योंकि भाई मैंने टाइम नहीं लाग लिया क्योंकि बच्चा का काम ऐसा हो जाए अब उसमें टाइम लाग कहीं को नहीं देता। यो अभी पीला कुर्ता इन चुंगट दिखती हूँ थामने का कुर्ता की चुनौट तो देखो और ही है इसमें प्रेस करके रखूँगी वैसे तो इसमें पर एक तो आल बन गया मेरा बड़ी क्योंकि मैंने एक बार टाइम तो आया प्रेस करने का। तो ये उसके नीचे का पजामा था भाई क्योंकि नो अभी या घड़ाई सीन दे रहे इसकी मौसी आमने की तबाह ना समाने पड़ते ये उसे है भाई आप तो आया खैर मैंने भी पर इसने कुर्ते पजामे भी आम है भाई मैंने सी के रखे हैं मेरे भी आई सी में भी सब सिलवाऊंगी मैं अपना भी नाटका करते मैंने एक बेस का थोड़ा रेस्ट बता रखा अभी बेबे का तो जाए तो मैंने फिर रख रखे नूके नू अभी तक टाइम हो तो जब कर दिए कोई दिक्कत नहीं है। और भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय रखी हो मैं इसने के पहना कर लेकर जाऊँ कौन सा डब्बे भी ये अभी था मैं ड्रेस दिखाऊँ एक मैंने पहला गुरु भी दिखा दूँ क्योंकि चित्रांश की जो वो कंप्लीट हो चुकी हैं। क्योंकि भाई देखो बच्चा का ऐसा काम हो जा रहा है मेरे कपड़े ला कर रख रखे हैं भाई क्योंकि जो युग है भाई देखो उसके कपड़े दोबारा जाना है हालांकि गुरवी नहीं डालती ये उसको ये पसंद नहीं है लेकिन कई बार जैसे मैं उसको बोल देती हूँ नहीं बेटा आप डाल लो डाल लो डाल लो तो वो खुश होकर डाल भी देती है मना नहीं करती है क्योंकि देखो भाई सारी है ना ब्रांडेड चीज़ देखो बिल्कुल सारी देखो है ना तो वो डाल भी लेती है भाई ना भी डाल रहा है उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड हो जाए पर मैं उसको बोल देती हूँ बेटा डाल ले अच्छी लगेगी। और ये पूरा पूरा भाई सेट है और एक ये वाइट वाला कलेक्शन कानून
और मेरी चोटी भी आ गई, तो हमने चोटी भी दिखाऊंगी। मैंने एक बार देखी है चोटी भी आने लगी, मैंने कई बार वो कर ली थी जैसे, पर मैंने ध्यान ना दिया था इतना चोटी का ना। चलो सही टाइम पे निकल कर आई है। और एक भी देखो जो है जो गुरवी का है, और इसके एक या स्कर्ट है इसके नीचे, या भी थोड़ी सी लॉन्ग है वे गुरवी का, तो मैंने इतना उठा कर रख दी थी मैंने, मुकाबी अभी लॉन्ग लग रहा है। वैसे बहुत अच्छा कपड़ा है इसका और बहुत प्यारी लग रही थी। वे मेरा बेटा जो वो चंगल का खड़ा हो रहा है, हालांकि मेरी माँ के पास से रह गए हूँ मोस्टली, पर वो चंगल रहा है। और भी मैंने देखो दिक्कत भी नहीं आकर सच्ची पूछो तो, क्यों दिक्कत इसलिए नहीं थी, मेरी माँ अपने आप स्कैन जो चले आकर भी मेरे बच्चे नवा इस्तेमाल आकर उससे के पास रहे आकर तो आराम तो वाई रखा था, क्योंकि जो लॉन्ग कपड़े होते हैं ना उनकी जुलती नहीं पड़े है ना, सही है ना। और एक भी देखो उनकी है गुरुजी का, ये भी बिल्कुल कंफर्टेबल रहा अभी गुरवी इसमें देखो, एक ये कैफी टाइप में रही हूँ, कैफी डाल के और जब सही अच्छे से पहना जा है। तो अपने कमेंट बॉक्स में भी राय जरूर रखा जाइयो कौन सी ड्रेस अच्छी लगी था हमने, क्योंकि देखो मन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी है ना, और था मेरी हेल्प भी कर दोगी इस वजह से। और भी एक गुरवी का फ्रॉक है, अगर मैंने उसको तो फ्रॉक दिखा दिया गाउन दिखा दिए तो आप उनके पीछे लाग जाएगी, तो मैं उसका बातें भी खाऊंगी था, अगर कुछ ना तो जुब्बे डालूंगी उनका दे, मैंने तो इब्बे डालने तो। तो देखो वे एक ही वो है गाउन फ्रॉक है, तो गाउन तो बनी हुआ फ्रॉक है, और तो मैं अलमारी में टांग दूँ बच्चा के आराम तो आ जाए मेरे वाली अलमारी में, लेकिन यहाँ पे मैंने रखने पड़े इसमें टांग का एक जगह पर सिस्टम है वहाँ पर भी मैं वो कर। और ये बनियान देख सको वे तो हम कहीं बनियान है, तो ये भी मैं एक रुपये में रखूँगी ताकि ये मैं मिल जाए वापिस बनियान की बजाय। और देख सको मैंने संगवा दिया है इनकी लाइन बिल्कुल संगवा दी है, और ये भी बने भी का है तो ये तो मैं संगवाऊँगी उन्हें पर जितना टाइम लगेगा उतने संगवाऊँगी। और इसमें आऊँगे भी बच्चा के गाउन, इसमें मैं बच्चा के भी गाउन डालूंगी। देखो भी एक गुरवी का गाउन ही होगा दिखा दूंगा, हमने उन्हें एक डाल ले पाई हूँ क्योंकि वह बोले मम्मा मेरे को रील बनानी है। मैं चल भाई ठीक है तो रील बना ले, मैं उठा के बाद में वापिस आ दूँगी। तो अपनी कमेंट बॉक्स राय में अपने मैं जरूर रखी होगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और कभी कौन सी अच्छी लग
मैं कौन सी ड्रेस उसको पहना के लेके जाऊं और मेरे बच्चों का कैसे आप लोगों को ड्रेस लगी, तो अपनी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रख कर जाइयो। रिक्वेस्ट है सारियत है अकाउंट पे यो है, ये तो हम देखे भी होगा इसका वीडियो में, ये हमारे यहाँ पे शादी थी मेरा दर्द है, तो जब हम लिखाए थे इसका ड्रेस, तो अपनी जरूर राय रख कर जाइए भाई कौन सी हमने अच्छी लगी है, मैं कौन सी शादी में डाल के जाऊँगी इसको इनका, कौन सी भी बच्चे आपको अच्छी लगेगी तो अपनी बहन बनाने जरूर दिखाना, तो सारे मॉडल इसके टॉपिक एक कम आ जाएंगे तीनों रखना, तो वही भाई बेरोजगार की करवाया है इसलिए क्योंकि सारा मिक्स हो जाता है, इसलिए ये कपड़े बस ये टंगे और ओके हैं अपने जो रात नहीं है कपड़े जो उनके वो ओके हैं, तो फिर वो एक करना साइड में पैर में जो पटले हैं पहले जाऊँ और गुरी का दाम जो है यहाँ पर रख दिया था डाल कर कवर में, लेकिन इसने भी था कि हाँ तय अतुल सोच में रख दूंगी, तो वीडियो टाइम पर मुकान मिल जाए और आज और रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए आए हैं लाइक शेयर कमेंट और जरूर कर जाकर और सब्सक्राइब जरूर करा करो और नो बताइए भी तो हमने किसे लगे हैं बचा के कपड़े, हाथ जोड़ का रिक्वेस्ट है सारा तब बताकर जरूर जाइए और मैं हमने दिखा दूंगी कुर्ती जो कामन को कमन कर इसलिए मंगाई थी, और हालांकि अगर मैं सूट डाल कर जाऊँगी तो मैं उसमें या चौथी जरूर डालूंगी शादी में, वैसे तो मेरा सूट डालना बूट नहीं है पर देखो अगर मैंने डाला तो जरूर डाल कर जाऊँगी और मैं हमें दिखाऊँगी, या भी मैंने चौथी मंगाई थी हालांकि मेरे को तो देखो वैसे तो मेरे लंबे बाल हैं पर लोगों ने थोड़ी सी अच्छी लग गया करें, तो मैं चल रही मैं सब ट्राई कर देखी मैंने पंजाब बन तो मैं चल रही मैं भी ट्राई करके देखूँ, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है और जरूर बताइए किसी लाग के सामने और तैयार होने के बाद में मैं जरूर दिखाऊंगी कि मैं तुम्हें जो कमेंट बॉक्स में बताइए उसमें किसी लाग दूँगी, नेक्स्ट ब्लॉक में और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में है ना, या वीडियो भी नेक्स्ट ब्लॉक में और आओगे आप जाए तो जरूर बताना नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉक हमें किसा लग गया है और जो ये चीज़ें हैं ये भी कैसी लगी हैं, तो भी आज का ब्लॉग बस यार रहती था और जो भी चैनल पर नया हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता करो और मैं बस ही रेडी होंगी जाऊंगी, वे आज का ब्लॉग बस यार रहती ये था, तो सारा तरह रिक्वेस्ट है कि वे काल वाला ब्लॉग भी जरूर देखियो, कल वाला भी जबरदस्त होने वाला है और गर्मी में भी देखो इतने डेढ़ डेढ़ कपड़े सुहा क्यों से कपड़े भी नहीं सोते, ज़्यादा गर्मी होने लगी है और आ जाओ वे जूस पी लो जिसने जूस पीना है जूस पीस को हो देखो आ जाओ, तो भाई जूस पी लो जिसने भी जूस पीना है ना, और वे आज का ब्लॉग बस था यार ये और अपनी राय जरूर दर कर जाइए कमेंट बॉक्स में।